नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज ए टू जेड। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है उन्नाव से, शॉर्ट सर्किट से लगी प्राइवेट अस्पताल में आग। उन्नाव के शुक्लागंज से बड़ी खबर, सुषमा हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अस्पताल के अंदर कई मरीजों के फंसे होने की मिल रही है खबर। सूचना के एक घंटे बाद भी नहीं पहुँची गंगा घाट पुलिस। सूचना के एक घंटे बाद पहुँची पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जिसमे पानी न होने से और बड़ी परेशानी। ग्रामीणों ने की करीब दो घंटे भारी मशक्कत, तब मिला आग पर काबू। एक घंटे बाद पहुंची गंगा घाट पुलिस ने दिखाया पुलिसिया पावर। आग बुझा रहे ग्रामीणों पर दिखाया अपना पावर। सूचना पर पहुंचे डीएम व एसपी। समाचार ए टू जेड के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। गंगा घाट क्षेत्र में अस्पताल में आग लगी थी, कुछ मरीज फंसे थे, किस तरीके से निकाला गया है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, गंगा घाट क्षेत्र में शुक्लागंज का ये एरिया है, यहाँ पे सुषमा हॉस्पिटल है। यहाँ पे सूचना मिली थी कि बेसमेंट में आग लगी है। तुरंत यूपी 112 को सूचना दी गई थी और फायर के यहाँ पे दमकल भी आ गई थी और जो बेसमेंट की आग थी उसको कंटेन कर लिया गया वहीं पे ही। और जो ऊपर जो ये तीन मंजिले हैं वहाँ से सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। जो मरीज यहाँ भर्ती थे उसको आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। कोई कैजुअल्टी का कोई सूचना नहीं है और अभी आग पूरी तरह से कंटेन्ड है और उसको हम लोग वेंटिलेट कर रहे हैं ताकि जो गैसे से धुआं है वो निकल रहा है। आग पूरी तरह से बुझा दी है। सर, अस्पताल के जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं क्या पूरे थे, क्या कारण रहा कि ये जांच का विषय है, इसकी जांच करा ठीक। थैंक यू।